मैं सलीम नसीम मुद्दा साहब बनारस। फ्रेंड्स, आज हम पोलो TDI 3 सिलेंडर, इसका स्टेयरिंग रैक और जनरल सर्विस और टाइमिंग का काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये गाड़ी है, देखिए पोलो 3 सिलेंडर है, TDI डीजल इंजन है। इसका हम फुल सर्विस, ये एयर फिल्टर, ये देखिए ये ऑयल फिल्टर है, और इसके बाद ये टैमिन है, फ्रेंड्स ये देखिए इसका टैमिन बेल्ट है। इसके टैमिन का काम और हम सर्विस का काम, और ये देखिए ये इसका रैकेंड है। अभी हम इसकी चेचीज उतारेंगे, फिर इसका रैक एंड जी चेंज करेंगे। ठीक है फ्रेंड, फ्रेंड्स ये देखिए हमने इसका ये चीज उतार दिया है। ये इसकी स्टेयरिंग हमने लाने की मंगाई है, ये इसकी दूसरी स्टेयरिंग है, हम इसको करेंगे। फ्रेंड्स हमने देखिए इसका ये टाइम इनलॉक कर दिया है। मैं आपका इसको फिर से लोकेशन दिखा देता हूँ। मैं अपने पुराने वीडियो में भी इसका टाइमिंग का आपको लोकेशन बता दिया था। देखिए एक ये है, और पंप की टाइमिंग यहाँ लॉक की जाती है, और उसके बाद नीचे है आपका नीचे पुली पे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको क्लियर नहीं दिख पाता होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड ये देखिए, ये इसकी क्रैंक की टाइमिंग है। ये आप, मैं आपको हाथ की लोकेशन के थ्रू दिखा देता हूँ। ये देखिए ये निशान देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये निशान ही इसका, ये निशान के पास छेदे के डॉट के सामने रखना चाहिए, ये इसका निशान है। फ्रेंड्स अब हम इसका टाइमिंग बेल्ट उतारेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए हम इसका टाइमिंग बेल्ट उतारेंगे। ये इसका टाइमिंग एडजस्टर है, जो कि 15 नंबर नट लगा होता है इस पर, इसको ढीला कर लेंगे हम। ये आपका, ये देखिए ये ढीला हो गया, ये देखिए हम इसको यहाँ से ढीला कर लेंगे। देखिए ये बेल्ट ढीले हो गए, और इसके बाद ये देखिए ये इसकी एक एडजस्टर की बैरिंग है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसको अभी हम खोलेंगे, ये देखिए ये इसका बेल्ट है, हम इसको बाहर उतारेंगे बेल्ट को। ये बेल्ट हाथ टाइट होता है फ्रेंड्स अपनी घाट में, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए ये इधर लूज हो गया है, इसके वजह से ये टाइट होता है, थोड़ा हार्ट पे एकदम सेम साइज लग होता है। ये देखिए फ्रेंड्स हमने ये इसका बेल्ट निकाल लिया है। नीचे से बेल्ट उतारिएगा हमको, कहाँ
नीचे से बेल्ट उतार दीजिए। कहाँ भाई खींच लीजिए। फ्रेंड्स ये देखिए इसका टाइमिंग बेल्ट है, अब हम इसको करेंगे रिप्लेस। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये देखिए ये इसका ओरिजिनल VW का है टाइमिंग बेल्ट, हम इसको चेंज करेंगे, इस बेल्ट की जगह इसको रिप्लेस करेंगे। अभी हमने देखिए इसका ऑयल फिल्टर, ये आपको ओरिजिन लगा दिया है, अब हम इसका ऑयल टाइमिंग बेल्ट चेंज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए आपका ओरिजिनल फोक्सवैगन है VW ग्रुप। फ्रेंड्स ये देखिए ये हमने इसका ये टाइमिंग बेल्ट चढ़ा दिया है, ये आपका टाइमिंग हो गया। अब हम इससे ये लगाएंगे इसका, ये आपका ये देखिए एडजस्टर बैरिंग है फ्रेंड्स, इसके बाद हम इसका बेल्ट कर देंगे टाइट, फिर हम आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स फाइनल कर। देखिए फ्रेंड्स ये अपनी जगह पर लॉक है, ये इसका टाइमिंग का लोकेशन है। देखिए ये पंप का है, देखिए ये पंप का है, पंप में भी आप देख लीजिए, ये निशान मैं आपको दिखाता हूँ, ये पंप का है, ये आपका केम का है। नीचे मैंने आपको टाइमिंग उसकी दिखा दी थी, अब हम इसको करेंगे फाइनल। फ्रेंड्स ये देखिए हमने इसका एडजस्टर ये टाइमिंग हमने टाइट कर लिया है, मैं आपको इसका एडजस्टर का भी लोकेशन दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये देखिए इसका बेल्ट टाइट हो गया, और ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ये देखिए ये एडजस्टर की ये निशान है, इसको हमेशा इसके सामने ही रखकर बेल्ट टाइट करना चाहिए, नहीं तो इसका एडजस्टर आपका आवाज़ करेगा और बेल्ट को काटता है। ये चीज़ को फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, और देखिए बेल्ट इसका एकदम टाइट हो गया है, हम इसको फाइनल करेंगे। तो गाड़ी को टाइमिंग चेक करने के बाद अब मैं इसको गाड़ी में मोबिल डालूंगा, उसके बाद गाड़ी स्कैन करके स्टार्ट करूंगा। फिर देखिए गाड़ी का फुल जनरल सर्विस और टाइमिंग बदल दिया है, हम पहले गाड़ी को स्कैन करेंगे। देखिए ये हमने फिल्म टूल का लगाया है, अभी हम गाड़ी को स्कैन करेंगे फ्रेंड, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करेंगे। ये हम इंटेलिजेंट डायग्नोस VW स्कोडी ऑडा जितनी भी कारें होती हैं उसमें आ जाता है आपको, इसमें आप स्मार्ट स्कैन भी कर सकते हैं, मैनुअल सिलेक्शन भी। ये स्कैन हो गया, ये देखिए यहाँ से स्कैन कर देना है, गाड़ी में कोई डीजल कोस्ट तो नहीं है, गाड़ी को स्कैन, गाड़ी को फिर हम देखिए फ्रेंड्स स्कैन करेंगे। गाड़ी को हमने स्कैन किया, अब हम गाड़ी फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स देखिए गाड़ी हमने स्टार्ट कर दिया है, गाड़ी में कोई भी माल फंक्शन की लाइट नहीं है। देखिए और गाड़ी की हमने फुल सर्विस कर दिया, इंजन पे देखा फ्रेंड्स, हमने गाड़ी को फुल जनरल ओवरहॉल कर दिया है, इसका टाइमिंग भी बदल दिया है,
उसकी टाइमिंग बेल्ट 1 लाख किलोमीटर चल चुकी थी तो मैंने चेंज कर दिया है और गाड़ी को फुल्ली एक्सटेंड कर दिया। गाड़ी में कोई ट्यूबल को नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू फ्रेंड्स। मैं सलीम हकीम मोटर बनारस। फ्रेंड्स आपको इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी टाइमिंग में दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे सकता हूँ। थैंक यू।